हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में टाइम एंड वर्क के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर आपको इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिलेगा। कारण है कि इस बार का यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है, वो पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज है। और ये बात आप भी जानते हैं कि इस बार का जो पैटर्न है वो चेंज है। कारण है कि पहले जो जनरल पेपर या फिर जो पहले जो कॉमन पेपर होता था वो मात्र 10 अंकों का होता था, लेकिन इस बार कॉमन पेपर का जो दायरा है वो 40 अंकों तक इंक्रीज हुआ है। यानी इस बार का जो कॉमन पेपर है वो 40 क्वेश्चंस का होगा। तो 40 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, यानी यूनिवर्सिटी 40 क्वेश्चन के क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करने के लिए वो कई सारे टॉपिकों को टच करेगी। और उसी टॉपिक्स में से, यानी कॉमन पेपर में जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, उसी का एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का बेसिक जो प्रॉब्लम्स आएगा, वो बेसिक प्रॉब्लम्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दे रहा हूँ। किस प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ में मैं लगातार बता रहा हूँ कि वैसे जो भी कैंडिडेट जो अभी तक प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए, प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने पे आपको जो पहले का अमाउंट था उसके कंपेयर में बहुत ही कम अमाउंट आपको पे भी करना होता है। कारण है कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, समथिंग आपको 7 से 8 दिन का टाइम बचा है। और इसे 7 से 8 दिन के टाइमिंग में अगर आप तमाम सारे पीडीएफ को सही तरीके से देख लेते हैं, तो फिर आप पीडीएफ से ही आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आप आराम से पीडीएफ के जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है अगर आप उसको मेमोराइज कर जाते हैं, अभी भी अगर पर डे का टाइम अगर 4 से 5 घंटे का टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं उस पीडीएफ पे, तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ही इजिली वे में क्लियर हो जाएगा। और जो कॉमन पेपर के जो तमाम सारे जो क्लासेस है, वो क्लासेस का लिंक आपको मिल जाता है। क्लासेस के जो पीडीएफ है, क्लासेस का जो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, वो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपका वो क्या हो जाता है, वो भी पार्ट आपका परफेक्ट हो जाता है। तो जो सारे टॉपिक्स है, जो सारे सिलेबस है या फिर जो सारे पार्ट्स है, वो पार्ट्स को लेकर के मैंने जो भी सारा आपको क्लासेस कंप्लीट कराया है, वो आपके लिए बहुत ही इनफ है इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और जो सारे पीडीएफ है, वो पीडीएफ यहाँ तक कि इतने वेल ट्रेंड पीडीएफ है, यानी इतने वेल पीडीएफ है कि वो आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सपोर्ट करेगा। तो आपको ज्यादा कुछ फर्दर प्रॉब्लम पीडीएफ्स को लेकर के नहीं होगा समझने में। सो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं तमाम सारा आपको जो डिस्क्रिप्शन था या फिर कह सकते हैं जो तमाम सारा जो आपका एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग द प्रीमियम क्लासेस, वो सारा कंटेंट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स पे। तो टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स को लेकर के समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क का जो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जो इस पर बेसिस जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आएगा, वो भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। और ये कह सकते हैं आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का लगभग ये लास्ट टॉपिक है। एक और टॉपिक है थोड़ा सा एज के प्रॉब्लम को लेकर के, तो थोड़ी सी एज प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। और इससे आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो तमाम सारा क्लासेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उधर आपका जनरल एप्टीट्यूड का क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, और उधर जो जीके जीएस का जो आपका जीके का जो पार्ट है जनरल नॉलेज का, उसका तमाम सारा पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का सीरीज है वो लाइव सेशन के जरिए से कंप्लीट कराया भी जाएगा, क्योंकि अभी भी टाइमिंग है। कारण है कि अभी आपके पास समथिंग आपको 7 से 8 दिन का टाइमिंग है, और इस पार्ट में आपको चूंकि मेमोराइज मेन चीज करना है, तो अगर मैं बहुत पहले स्टार्ट कर दूं तो फिर आपके लिए वो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम कर देगा, यानी भूल जाएंगे आप। इसलिए मैं विदिन 5 डेज के अंदर में, यानी कह सकते हैं कि 7 के आसपास में वो जो सारा लाइव क्लास जो चलेगा जीके को लेकर के, वो आपका अटेंड करा दिया जाएगा। तो अभी जो आपका टाइम एंड वर्क का जो प्रॉब्लम है, आइए प्रॉब्लम्स को देखते हैं एंड समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है सही तरीके से। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क के बारे में सिंपल सा समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क का सिंपल सा मतलब होता है कार्य और समय हिंदी में, यानी किसी काम को करने के लिए जो टाइम इन्वेस्ट आप करते हैं, उसी टाइम और वर्क के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और उसी कुछ प्रॉब्लम्स को आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टाइम कहने का मतलब यहाँ का सेंस हो गया कि कोई भी काम को कंप्लीट करने में जो लगा समय है वो आपका टाइम कहलाएगा, और कोई भी काम को करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो आपको हमेशा दिया रहेगा। लेट अस सपोज ये काम का नाम एक्स है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जमीन है, इसकी खुदाई करना है, तो ये क्या है, एक प्रकार का काम है, और इसको कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपका जमीन है, इसको खोदने का काम, यानी इसको खोदने का काम लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये सोहन करेगा, तो सोहन इस काम को कंप्लीट करने में मान लेते हैं कि अगर टाइम लगेगा आपका 10 दिन। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम आते हैं, यानी किसी काम को कंप्लीट करने से रिलेटेड टाइम के साथ उसका रिलेशन, ये सारा प्रॉब्लम आता है आपका टाइम एंड वर्क के अंडर में। तो ये टाइम एंड वर्क में किस प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाता है ये आपने समझ लिया होगा। और टाइम एंड वर्क का जो इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है, वो आपको बस ये 3 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा, और इसी 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन आएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए समझते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ के एग्जाम्पल्स को हम लोग देख करके समझते हैं। जब भी आपका टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम हो,
तो आपको हमेशा बताया रहेगा कि कोई स्पेसिफिक काम कितना टाइम में कंप्लीट होता है। जैसे इस केस में ये जो आपका काम है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि जमीन की खुदाई करना है, और जमीन की खुदाई करने का काम कौन करेगा, सोहन यहाँ पे काम करेगा। और सोहन के बारे में ये बताया गया कि ये काम आपका सोहन कंप्लीट करेगा 10 दिन में। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहे कोई काम के बारे में कि कितना दिन में कंप्लीट होता है, तो हमेशा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि वो काम एक दिन में कितना उसका कंप्लीट होगा। जैसे ये काम, पूरा काम का नाम क्या है, एक्स, तो एक्स ये पूरा काम कंप्लीट होता है कितने दिन में, 10 दिन में। यानी कहने का मतलब आपको पता करना है कि पहले एक दिन में वो काम कितना कंप्लीट होगा। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, 10 का कितना 1 भाग, यानी क्या होगा, 1/10, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम पूछे, तो जब भी इस प्रकार का कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पहले आपको हमेशा कैलकुलेशन रेडी करना है एक दिन पर। जैसे इस केस में एक दिन में काम कितना होगा, तो 10 का 1 भाग यानी 1/10। तो यही यहाँ पे बताया गया कि इफ ए पर्सन ए कम्प्लीट्स वर्क इन एक्स डेज, देन द अमाउंट ऑफ वर्क कम्प्लीटेड बाई 1 डे बी 1/x। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं एक दिन का काम का हिसाब किताब। सेम तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है पर्सन बी के बारे में। पर्सन बी क्या करता है, किसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है, तो वो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, तो वो हो जाएगा 1/y। और जब भी दो पर्सन एक साथ मिलकर के कोई काम को करे, तो टोटल जो वर्क टाइम जो इन्वेस्ट होगा उसको काम करने में, तो जब भी जैसे इस केस में यहाँ पे जो काम है वो सोहन करा है 10 दिन में, एंड मान लेते हैं कि मोहन भी इस काम को करने के लिए आता है, और मोहन इस काम को अकेले करता है मान लेते हैं कि 5 दिन में, तो आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि बताइए जब ये दोनों बंदा मिलकर काम करेगा, यानी सोहन मोहन मिलकर काम करेगा, तो ये कितना टाइम में कंप्लीट होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको दो वैरायटी का क्वेश्चन बताया, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो आपसे पूछा जाएगा एक दिन में काम का कितना पार्ट कंप्लीट होगा, और दूसरा अगर कोई दो इंडिविजुअल पर्सन उस काम को अलग अलग टाइम में कंप्लीट करता है, तो एक साथ वो कितना दिन में टाइम कंप्लीट करेगा, यानी एक साथ वो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम का टाइप भी यहाँ पे बताया गया। तो इस केस में एक दिन में कितना प्रॉब्लम कंप्लीट होगा, जैसे सोहन पूरा कंप्लीट कर रहा था 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम का कंप्लीट होगा, 1/10 पार्ट। सेम एज इसमें, तो जैसे इस केस में सोहन के केस में मैंने आपको बताया, अब यहां जब बताया गया था कि कोई काम, जैसे सोहन काम करता है 10 दिन में, मोहन काम करता है 5 दिन में, तो दोनों जब मिल करके काम करेगा, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहले पता करना है कि एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेगा। जैसे एक दिन में वो कंप्लीट कर रहा है मान लेते हैं टोटल काम, जैसे इस केस में बताया जा रहा है कि पर्सन ए कंप्लीट करता है इस काम को एक्स दिन में, पर्सन बी कंप्लीट करता है इस काम को वाई दिन में, यानी पर्सन ए कंप्लीट कितना करेगा एक दिन में, तो हो गया 1/x। पर्सन बी कितना कंप्लीट करेगा एक दिन में, तो 1/y, यानी टोटल काम एक दिन में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/x + 1/y। तो टोटल डेज अगर पूछा जाएगा कि आखिर कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो सेम तरीके से यहाँ ध्यान रखिएगा 1/n इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 1/x बाई में 1/y, क्योंकि ये कैलकुलेशन किस दिन पे चल रहा है, एक दिन पे कैलकुलेशन चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन कितने दिन पे कर रहे थे हम लोग, एक दिन पे, यानी 1/n हो गया, 1/n = 1/x + 1/y। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा n का मतलब कितना टाइम उसमें उस काम को कंप्लीट करने में लगेगा। जैसे सोहन मोहन दोनों मिलकर के इस काम को कितना कंप्लीट करेगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा x/y / x + y। ये कहा जाएगा टोटल टाइमिंग टेकन फॉर द कंप्लीटिंग दिस वर्क बाई द सोहन एंड द मोहन, ये कॉन्सेप्ट आपका काम करता है। तो बस आपका ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं एक प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आप आइडिया समझना है। प्रॉब्लम देखने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, वर्किंग इफिशियंसी के बारे में, यानी काम करने की क्षमता। तो काम करने की क्षमता का मतलब हुआ एक दिन में करने वाला जो काम कंप्लीट होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इफिशियंसी कहते हैं। आइए एक प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्लियरली बताया गया कि राम कोई काम को कंप्लीट करता है 24 दिन में, उसी काम को कंप्लीट करता है श्याम 40 दिन में, तो दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो इन दिस केस में आपका क्या हो जाएगा, सेम है जो मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, 24 × 40 + 24/40। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कितना होगा, 15 डेज में वो क्या होगा, आपका काम कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर आएगा वो कंपेयर टू राम एंड श्याम क्या होगा, आंसर छोटा आएगा, यानी चूंकि दोनों मिल करके, ये राम अकेले कंप्लीट कर रहा था 24 दिन में, श्याम कंप्लीट कर रहा था 40 दिन में, यानी जब दोनों मिल करके काम करेगा तो ये लाजमी सी बात है कि वो काम क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होगा। जैसे इस केस में कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ, 15 डेज में आपका टाइम कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार के जो बेसिक प्रॉब्लम जो आते हैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, इससे रिलेटेड मैं आपको PDF भेज दूंगा। अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको बताया हूँ, फिर क्लासेस में आपका टाइम बहुत ही कम इन्वेस्ट करना है, इसके कंपेयर में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करने में, तो इसका जो PDF मैं आपको PDF ग्रुप में भेज दूंगा। मैं लगातार बता रहा हूँ, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स अभी तक प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज कर सकते हैं ताकि वो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ करके तमाम सारे PDF को एक्सेस कर सकते हैं और वो इसका क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसका जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का जो PDF है और साथ में जो प्रैक्टिस जो यानी MCQ क्वेश्चन का सीरीज है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।